अंजलि, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के दिन में इतनी परिपक्व है कि इसको सब पता है कि हो क्या रहा है। और हो क्या रहा है, ये सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। हम लोग जो एक शब्द कह के हम लोग बाहर निकल जाते हैं प्रॉब्लम से कि ये टारगेटेड किलिंग है। ये टारगेटेड किलिंग किसका है, किसके द्वारा है, ये चीज़ इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जब उस पे जब आप चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान की सह पे यहाँ के जो जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप हैं, लगभग आधे दर्जन यहाँ पे ऐसे इस्लामिक ग्रुप्स हैं जैसे लश्कर उमर, लश्कर जब्बर, तहरीक मुजाहिदीन, JKLF, हुर्रियत को हमने डिस्बैंड किया हुआ लेकिन उसके एलिमेंट अभी भी हैं, मुत्तहिदे जिहाद काउंसिल। ये कम से कम ये छः जो जो टेररिस्ट तंजीम से ये तो कश्मीर में हैं। तो ये जब इनका सपोर्ट उनको मिलता है, जब यहाँ पे एक्टिविटी चलती है और पाकिस्तान से सहायता मिलती है, तो ऑब्वियसली ये लोग काम करेंगे। और यही चीज़ है कि लो कॉन्फ्लिक्ट जिहाद जिसको बोलते हैं, कि जो जो पॉट को हमेशा गर्म रखो, उसको बॉयल पे रखो, ये अपना काम कर रहे हैं। अब ये भारत सरकार को एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये जिहाद चल रहा है, और इसमें जितने सारे लोकल सपोर्ट्स हैं इन रेडिकल एलिमेंट्स के, उसको भी खत्म करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कि पाकिस्तान पे वॉर करना है। देखिए, ये जो अभी BAT का जो अटैक हुआ है, तो बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है कि पाकिस्तान उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वायलेट कर रहा है जिसमें कि सीज फायर हुआ था। तब जब ये पता है तो हमें कोई दोराय नहीं कि हम अक्रॉस द बॉर्डर जाके ये जो लॉन्च पैड्स हैं, गाँव को छोड़ दीजिए, गाँव में कुछ इनोसेंट्स लोग भी होंगे, कुछ और भी लोग होंगे, रिटायर्ड लोग होंगे, एक भी याद रखिए कि पाकिस्तान के पास में आज के दिन में इतने पैसे नहीं है कि वो सबों को ऐसे बांटते फिरे। वो खुद जो बेगिंग बॉल लेके यहाँ से वहाँ दौड़ रही है। लेकिन ये जो रेडिकल जो माइंडसेट है, आइडियोलॉजी है, इसको लेके वहाँ पे बहुत सपोर्ट है। वहाँ से लोग अपना जान गंवाने के लिए तैयार हैं। वो भारत आके चाहे वो उसकी मौत भी हो जाए तो उसके ऊपर में कोई रोने वाला नहीं, क्योंकि उस फैमिली के उस मेंबर को जिहाद के लिए सौंप दिया गया है, तो उसका उसका कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हर लाइफ का मूल्य है, बहुत बड़ा मूल्य है। यहाँ पे अगर वो एक सिविलियन को भी मार के जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे पड़ता है। तो ये चीज़ याद रख के मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑथराइज करना चाहिए। देखिए, हमारे पास में एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास में हॉविट्जर्स हैं। हॉविट्जर्स ऐसे हैं कि 40 किलोमीटर दूर से ही जहाँ जहाँ पे ये लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे वो ऑलमोस्ट लाइक प्रेसिजन अटैक वो किया जा सकता है। तो अब वो समय आ गया है कि उन लॉन्च पैड पे चाहे आर्टिलरी से या फिर एक जो हमारे पास में अपाची एयरक्राफ्ट है, रात में एक सॉर्टी इससे कीजिए। रात में जब सॉर्टी करते हैं तो जितने जो लॉन्च पैड्स हैं वहाँ की IR सिग्नल्स इनको मिलती है, इंफ्रारेड सिग्नल्स इनको मिलती है, वो एक सॉर्टी में कम से कम 10 लॉन्च पैड को तो वो नॉकआउट कर देंगे, एक एक हेलीकॉप्टर एक सॉर्टी में। ऑथराइज कीजिए, अब ये समय आ गया है। क्योंकि हम लोग हमेशा यही करते हैं, वो मार के चले जाते हैं वहाँ के टेररिस्ट और हम लोग बात करते हैं कि हाँ हम एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। आज के दिन में जो हो रहा है ये उन्हीं दिनों की झलक दिखाती है जो कि UPA सरकार में हो रहा था। हर बार ऐसा अटैक होता था और सरकार कह देती कि हाँ इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, फिर दूसरे दिन अटैक हुआ, हाँ हम एक्शन लेंगे। ठीक है, तो यूके इससे देवनाथ सर, आपको बाहर पिछले निकलना दिनों पड़ेगा। में जिस तरह से हमले लगातार देखने को मिले हैं और उन्हें नाकाम किया गया है सुरक्षा बलों ने, उससे यही लग रहा था कि किसी बड़ी प्लानिंग, बड़ी फिराक में आतंकी संगठन है ये, लश्कर के आतंकी हैं जिनकी ओर से कोशिशें पिछले कुछ दिनों में की गई हैं। अब सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, सेना भी पूरी तरह से सक्षम है, मुंहतोड़ जवाब दी जा रहा है, तभी अपने मंसूबों में पूरे तरीके से आतंकी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट क्या बताता है कि और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? क्या ये और ज्यादा अब चुनौतीपूर्ण हमारे लिए हो गया है जब आर्मी खुले तौर पर अब आतंकियों का साथ दे रही है और हमले करवा रही है? देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका तो ब्रेड एंड बटर है हिंदुस्तान के विरुद्ध एक्ट करना, JNK का राग अलापना। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान के विरुद्ध वो बात करते रहेंगे और JNK के खलबली को पैदा करते रहेंगे, तब तक उनका पाकिस्तान में वजूद है। अगर हिंदुस्तान के विरुद्ध वो हिंदुस्तान को अगर वो दुश्मन नहीं दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवाम को ये सब्जुबाग नहीं दिखाएंगे कि एक दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान वाले कश्मीर को गपचिया जाएगा,
पाक फौज की मदद से, तो फिर तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, पाक आर्मी को वो लोग छोटा बना देंगे, निरस्त कर देंगे। सबसे बड़ी बात इस पूरे कार्रवाई में क्या हो रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी इनपुट है कि अभी जुलाई का आखिरी हफ्ता है, 5 अगस्त 2019 को हमने भारत ने धारा 370 को कश्मीर में निरस्त किया था, तो कश्मीर के लोगों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए 5 अगस्त तक इस तरह की छुटपुट आतंकवादी कार्रवाइयों को पाकिस्तान बहुत बढ़ावा देगा, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा लगे कि उनकी जो आज़ादी है, कुछ भ्रमित लोग हैं, 100 में से 1 लोग भ्रमित हैं कश्मीर में, बाकी 99 पीसफुल हैं, वो भारत में रहना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान 5 अगस्त से पहले 5 अगस्त के रात तक इस तरह की खलबली पैदा करता रहेगा। एक और इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि जैसे जैसे 15 अगस्त पास आ रही है, पाकिस्तान अपने ट्रेंड आतंकवादियों को ना सिर्फ J&K में LOC क्रॉस करके कश्मीर में भेज रहा है, वरन इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करा के पंजाब के रूट के थ्रू दिल्ली तक भेज रहा है, ताकि जब 15 अगस्त के दिन लाल किले में प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा हो तो उस वक्त वो दिल्ली में किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सके। सुरक्षा बल जो हैं बहुत अलर्ट हैं, कश्मीर में 3 टियर और कश्मीर से लेकर दिल्ली का जो रूट है उसमें 5-5 जगह पर चेकिंग हो रही है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कश्मीर से या जम्मू कुपवारा उधमपुर इस एरिया से वो दिल्ली की तरफ ना आ जाए। तो गहन सुरक्षा शील्ड तैयार की जा रही है। हमने आम आदमियों को भी 5 अगस्त तक और खासतौर से 15 अगस्त तक बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, अगर कोई भी संदेह हो तो तुरंत पुलिस को किसी भी नंबर पर डायल करके सूचना दे देनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूके देवनाथ सर, चूंकि 15 अगस्त नजदीक है, 5 अगस्त नजदीक है, 5 अगस्त VN झा सर भारत के लिहाज से बहुत बड़ी तारीख है, लेकिन ये तारीख उतना ही बेचैन करती है पाकिस्तान को, साथ ही साथ आतंकियों को। अब 5 साल भी पूरे होने वाले हैं, ऐसे में बेचैनी बढ़ना दूसरी और लाजमी भी है। हम हालांकि पूरी तरह से तैयार हैं और जवाब भी दिया जा रहा है। जी हाँ, जवाब जो दिया जा रहा है शायद उस जवाब का मतलब पाकिस्तान समझ नहीं पा रही है। पाकिस्तान को अब समय आ गया है कि उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जाए, उसी तरह से जवाब दिया जाए जो कि वो समझ सके, जो वो समझते हैं, और वो है मार। देखिए, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं, और पाकिस्तान वही लातों का भूत है। सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक नेशन के खिलाफ में, लेकिन वास्तविकता यही है। वो कुत्ते की दुम है, क्योंकि उनके पास में आज के दिन में सेना के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत से को चैलेंज कर सके लड़ाई में, तो इसीलिए वो अपना जो उनका जो टेररिस्ट विंग है वो भी ISI के कंट्रोल में है। बाय एंड लार्ज कुछ उसके रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ही एक्ट करते हैं, तो लेकिन ज़्यादातर जो तंजीम्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे आज के दिन में 43 तंजीम्स हैं, और उस 43 तंजीम्स में लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 30,000 से 40,000 जो हैं वो टेररिस्ट हैं। ये आम आदमी नहीं है जो कि जाके किसान होंगे या बाकी बिजनेसमैन होंगे या और काम करने वाले होंगे, वो नहीं है। उनके पास में AK-47 या और कोई चीज़ एडवांस वेपन्स दी गई है और उनको बताया जाता है कि जाके तुम फलाने जगह में एक्ट करो, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ में हो, चाहे ईरान के खिलाफ में हो, चाहे इंडिया के खिलाफ में हो, या कहीं और उनको भेजना हो। उनकी ये इंडस्ट्री है जो वहाँ चल रही है, तो इस इंडस्ट्री को अब बिल्कुल साफ साफ एक ऐसा सबक देना है कि पाकिस्तान डरे अगली बार। जैसे बालाकोट के बाद लगभग 1-1.5 साल तक वो डर रही थी कि वहाँ भारत में आके एक्ट नहीं करेंगे, आज के दिन में वो मैथिली में एक शब्द है थर के मारो तो कोई रिस्पांस नहीं होता है, उसको कुछ कहो कोई रिस्पांस नहीं होता है, ये थर हो गया पाकिस्तान। तो उसको उसी के शब्द में आज के दिन में ज़रूरत है कि भारत सरकार जो है वो अपने आर्म फोर्सेस को ये चीज़ बिल्कुल खुला हाथ दे दे, अपना अप्रूवल दे दे कि तुमको जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखानी है वो सबक सिखाओ। अगर इसके लिए वॉर पे भी जाना है तो इसमें दो राय नहीं है। भारत सरकार को आज के दिन में मोदी सरकार कहती है कि ये युद्ध का जमाना नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन जब आपको इस तरह से लाचार किया जा रहा है कि आपका इंटरनेशनल बॉर्डर से हमेशा इन्फिल्ट्रेट करके आर्मी इधर आ रही है, टेररिस्ट इधर आ रही है, कल का रिपोर्ट है कि DAT इधर आया हुआ है। एक्सटर्नल फोर्सेस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन UK देवनाथ सर, इंटरनल जो फोर्सेस हैं
वो क्या उससे भी बड़ा चैलेंज है इंटरनल फोर्सेस से? मेरा उन लोगों की तरफ इशारा है जो कि मददगार हैं इन आतंकियों के। आतंकी तो भाई बाहरी ताकतें हो गई, लेकिन भारत में वो लोग जो कि खाते भारत का हैं लेकिन मदद करते हैं पाकिस्तान के आतंकियों की, क्या इनसे निपटना और बड़ा चैलेंज है? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि भारत जो है बहुत ही प्रगतिशील देश है। हमारी जो सोच है वो एक शब्द है, बुद्धिजीवी। हम हर चीज़ का एक बुद्धिजीवी देश होने के वजह से एक सॉफ्ट रेस्पॉन्स करते हैं। मैं 4 साल तक कश्मीर में था और सुरक्षा बलों को हमेशा हर रोज सुबह पहली ब्रीफिंग अफसरों को और जवानों को ये दी जाती थी कि कुछ भी हो जाए, भले ही एक आतंकवादी या एक लोकल सपोर्टर, अंडरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल या वुल्फ अटैक करने वाला लोन वुल्फ, भले ही एक दुष्ट हाथ से निकल जाए, लेकिन आसपास के गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी शुरू से ही अप्रोच रही है। तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए हमें सक्सेस भी मिली है। और ये अप्रोच इसलिए की जाती है कि ऐसा ना हो कि एक आतंकवादी को गांव में घुस के हमारी सुरक्षा बल ढेर करने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में 10 दूसरे गांव वाले जो हैं उनको, उनके बच्चों को, महिलाओं को या बूढ़ों को तकलीफ हो। उससे क्या होता है, फौज के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल माहौल बन जाता है गाँव में। तो हम चाहते हैं कि गाँव के जो लोग हैं, बकरवाल जो हैं, गरड़िये जो हैं, गुजर्स हैं, ये फौज के साथ एक अच्छा कोऑपरेशन दे। जब भी उनको कोई सूचना मिले या इन गांव वालों को कश्मीर में अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी लगे तो आके तुरंत सिक्योरिटी बल को इन्फॉर्मेशन दे। तो इसीलिए हम गांव वालों के साथ अपना रिश्ता मधुर रखना चाहते हैं, कभी भी गलती से उनको दुविधा में नहीं डालना चाहते कि उनकी लेडीज, उनकी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को कोई तकलीफ हो, बुजुर्गों को कोई तकलीफ हो। तो ये एक सॉफ्ट अप्रोच है। प्रिसीशन हार्ड अप्रोच तभी लिया जाता है जब बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हो, सही टाइम सही जगह पता हो। तो गिव एंड टेक है फिलहाल सिचुएशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आस्ते आस्ते कंट्रोल में आ जाएगा। आप देखना कि 5 अगस्त, 15 अगस्त के बाद ये सिचुएशन थोड़ी सी काबू में आ जाएगी। जी चलिए, देखना होगा कि कब तक जो हमले हैं पिछले कुछ दिनों में जो बड़े हैं उन पर लगाम कसती है, हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अंजलि, मैं कुछ और शब्द में ऐड करूं। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, अभी आने वाली जो चुनाव है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जब तक वो खत्म नहीं हुआ था तब तक इस तरह की इंसाइटेशन, इस तरह की डिस्टर्बेंसेस पाकिस्तान आर्मी और वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ISI के अंदर में, ये करती रहेंगी। और इसी में हो सकता है कोई एक बड़ा भी वारदात हो जाए। तो अगर भारत सरकार इन सब चीज़ों को झेलने के लिए तैयार है तो फिर ठीक है, फिर ये सॉफ्ट अप्रोच कंटिन्यू करे। लेकिन देवनाथ जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि सॉफ्ट अप्रोच अगेंस्ट हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं वो समझ में आता है, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, उसके लिए तो सॉफ्ट अप्रोच रखना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो हार्ड अप्रोच होगा। वो तो मिलिटेंट्स हैं, वो अगर पाकिस्तानी आर्मी ही अगर टेररिस्ट बन के आ रहे हैं उनको मारो। अंजलि, समय आ गया है। यही चीज कह रहा हूं कि भारत सरकार को अब ये एक्शन लेना पड़ेगा, आर्मी को ये खुली छूट देनी पड़ेगी कि जो अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल से जो लोग आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, और कल के जो ये BAT वहां की आई हुई है, तो इनको तो ये तो हमारे आदमी नहीं है। अरे, इनके लिए हम सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखें, इनको मारो ना। तो ये चीज जो है, ये एक्शन जो है, ये मिलिट्री एक्शन होगा, ये बहुत सघन एक्शन होगा और ये एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा। मैंने कहा ना, 28 लॉन्च पैड्स हैं अक्रॉस जो उस एरिया में, जो आज के दिन में लबालब भरे हुए टेररिस्ट से, तो इनको नॉकआउट देना, नॉकआउट पंच देना बहुत जरूरी है। जो हाइड आउट्स हैं उन्हें तो फिगर आउट किया जा रहा है, उन तक पहुंचा जा रहा है लगातार, क्योंकि स्ट्रैटेजी में सर बदलाव देखने को मिला है आतंकियों की। अब घने जंगलों में इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, लेकिन वहां तक भी सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं। एक एक कर आतंकियों का खात्मा जरूर होगा। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने